तो प्लीज दीपा, राकेश एक बार बता दीजिएगा आप सब कुछ ठीक है ना। तो मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है देखिए। जब एक बावर्ची भोजन को चखकर देखता है तो यह किसके समान है? तो आपको बताना है अधिगम का मापन, अधिगम के लिए मापन, अधिगम के रूप में मापन या मापन एवं अधिगम। पहला प्रश्न आप सभी के सामने बिना किसी देरी के, तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। कोई भी समस्या आए, ना समझ में आए तो तुरंत मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर दीजिएगा सभी के सभी। चलिए, तो राकेश जी ने कहा है बी ऑप्शन, आते ही बहुत अच्छे से जवाब दिया है राकेश आपने। देखिए, जब एक बावर्ची भोजन को चखकर देखता है, आपने भी देखा होगा कि जब फीमेल या घर में कोई भी कुछ खाना बनाते हैं तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें अधिगम के लिए मापन किया जाता है, यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसकी जाँच की जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा राकेश आपने, बी आंसर एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया आंसर इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है? आगे देखिएगा नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग राकेश, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो जल्दी से कर दीजिएगा, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या आत्म केंद्रित व्यवहार। तो मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की बात की गई है यहाँ पर। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जल्दी जल्दी से बस कमेंट कर दीजिएगा और बताएं, आंसर दीजिएगा सभी। पर जल्दी से आंसर मिलना चाहिए, कोई भी समस्या आए बार बार बस मैं यही कहती हूँ कि पूछिएगा आप सभी, ठीक है? तो जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए यहाँ पर आपके आंसर आने लगे हैं। सेकंड का ए आंसर दीपा जी ने मुझे दिया है, हेलो सत्यम, अमरनाथ, गुड मॉर्निंग। देखिए, मानसिक विकास की हम बात करें तो मानसिक विकास में क्या होता है, हमारे बौद्धिक पक्ष जिसमें हम औपचारिक भी दिया है, मानसिक विकास भी दिया है, जिसमें कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या है, आप चिंतन करते हैं, आप तर्क करते हैं, आप अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यह जीन प्याजी की चौथी अवस्था अमूर्त चिंतन, यानी कि कितनी भाई, 7 से 11, 11 से ऊपर होती है ये वाली। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, और आप सभी ने जिन्होंने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? बहुत बढ़िया आंसर, सही नहीं होगा, सामाजिक चिंतन नहीं आएगा राकेश। देखिए क्यों, क्योंकि मानसिक विकास की बात की गई है, साथ में औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी दी गई है। कोई भी क्रिया करता है बच्चा तो वहां पर औपचारिक चिंतन रखता है अमूर्त चिंतन के माध्यम से। तो आपने जीन पियाजे का सिद्धांत तो सभी ने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? आगे देखिए दुष्यंत, नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यम जी आंसर दीजिए। एक छात्र अपने सहपाठियों के साथ एक छात्र अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है और स्कूल के नियमों को नहीं मानता, इस छात्र को निम्न में से किस क्षेत्र में सहायता की जरूरत है? तो देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो सुनीता, गुड मॉर्निंग दुष्यंत जी, मैं जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है थर्ड, और इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर दे सभी के सभी। सत्यम आपके आंसर मुझे नहीं मिल रहे हैं, राकेश और अमरनाथ क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिएगा जवाब। दीपा, दुष्यंत, राकेश, सत्यम, सुनीता और अमरनाथ, सभी को आंसर देना है और जल्दी से देना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। बहुत इजी है ये प्रश्न, बहुत लेट आपके आंसर आ रहे हैं, क्यों अभी तक किसी का भी आंसर मुझे नहीं मिला है? तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक छात्र अपने सहपाठियों के साथ यानी कि अपने मित्रों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है, जरा जरा सी बात पे लड़ने लगता है, उल्टा सीधा बोलता है,
झगड़ा करने लगता है और स्कूल के नियमों को नहीं मानता है। तो यहाँ पर मुझे सुनीता जी ने बी आंसर, दीपा जी ने ए, राकेश ने बी, अमरनाथ ने ए। देखिए, और स्कूलों के नियम को भी नहीं मानता है, तो ऐसे छात्र को किस फील्ड में सहायता की जरूरत होती है ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप सभी ने कहा है संज्ञानात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष भी मुझे मिला है। अब बात करें सी ऑप्शन भी भावात्मक पक्ष और डी आंसर है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा ये आपसे पूछा था मैंने, तो आपके आंसर मुझे अलग अलग मिले हैं। अब देखिए बात करें संज्ञानात्मक पक्ष की, तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो आता है वो आता है आपकी बौद्धिक क्षमता, यानी कि जो भी आपकी समस्या होती है उनका समाधान करना, चिंतन करना, किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से करना। ठीक है, बात करें मनोगत्यात्मक पक्ष की, तो मनोगत्यात्मक पक्ष में आएगी आपकी जो मांसपेशियां कार्य करती हैं, जैसे कि खेल कूद करना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, दौड़ लगाना, उठना बैठना, ये सब किसमें आते हैं मनोगत्यात्मक पक्ष में। अब बात करें भावात्मक पक्ष, तो भावात्मक पक्ष जो जुड़ा हुआ है वो है आपके संवेग से। और आपने देखा भी होगा यदि हम किसी के प्रति प्रशंसा दिखाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या दिखाते हैं, तो हमारे भावात्मक पक्ष से जुड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सुनीता जी मनोगत्यात्मक नहीं होगा। मनोगत्यात्मक में हमारा शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक एक्टिविटी जो होती है उनको रखा जाता है। भावात्मक पक्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि भावात्मक पक्ष में हमारे संवेग जुड़े होते हैं और संवेग के आधार पर ही हम किसी के साथ बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो किसी के साथ हम क्या है किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो जरूरत है ना उसे भावात्मक पक्ष को मजबूत करने के लिए है। ठीक है, उसकी भावनाओं को समझने के लिए है। आरती जी बिल्कुल सही कहा आपने, सी आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, बी असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सी सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति, या डी आवेग में आकर काम करने की प्रवृत्ति। तो जल्दी से कर दीजिए कमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो राकेश, गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताइए उपलब्धि अभिप्रेरणा पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से जवाब दीजिएगा, आंसर मिलना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तुरंत पूछिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप सभी के आंसर का वेट कर रही हूँ, देखती हूँ किसका आंसर सबसे पहले और सही आंसर मुझे मिलता है। जल्दी से जवाब मिलना चाहिए सभी का। चलिए, तो आपके आंसर आने लगे हैं और आंसर में हमने देखा कि भाई आंसर में आप लोगों के जो आंसर मिले हैं देख लेते हैं क्या है। तो आरती क्या होगा बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फोर्थ का सी आंसर मुझे मिला है। चलिए, राकेश जी ने भी सी, अमरनाथ ने सी, सभी ने सी सी आंसर दिया है। और देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसमें बहुत ही संघर्ष करता है वो। वहां पर आपने देखा होगा जब भी आप उपलब्धि के बारे में, जब भी आप कोई मुकाम हासिल करने के लिए सोचते हैं तो वहां पर असफलता को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हैं। आप सोचते हैं कि रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ही आएगा। यदि ये जुनून आपके अंदर है तो आप बहुत जल्दी उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होता है ना उसमें सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वहां पर सफलता असफलता के बारे में नहीं सोचता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि इसमें जो बच्चा होता है ना वो चुनौतीपूर्ण कार्य करने को बहुत अच्छे से संघर्ष करता है, उसके रिजल्ट के बारे में परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। तो चुनौतीपूर्ण कार्यों में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्यंत बहुत बढ़िया, रोशनी बहुत अच्छे से दिया है जवाब। हाँ अच्छा सत्यम, चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी कौल वर्ग की नैतिक विकास की विशेषता है। तो देखिए, अवस्थाओं का परिवर्तनीय अनुक्रम, अवस्थाएं पृथक अनुक्रियाएं हैं तथा सामान्य पैटर्न नहीं है, सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम, या फिर अवस्थाएं अनुक्रम में नहीं चलती हैं। तो देखिए और बताएं कि इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, जल्दी से जवाब मिलना चाहिए। अंजलि वर्मा जी आंसर दीजिएगा।
आंसर मिलना चाहिए सभी का। तो फिफ्थ का सी आंसर मुझे राकेश जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि सबसे पहले और सही आंसर मिलना। तो निम्न में से कौन सी कौल वर्ग के नैतिक विकास की विशेषता है? यहाँ पे सी आंसर मुझे मिल गया है, बाकी आप सभी सत्यम जी ने भी सी आंसर बताया है। देखिए, कौल वर्ग की जो अवस्थाएं हैं, आपने देखा है कौल वर्ग के तीन स्तर है और चार छह अवस्थाओं में उसको बांटा गया है। तो आपने देखा होगा सभी स्तर की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। पहले में नैतिकता से बिल्कुल बच्चा परिचित नहीं होता, दूसरे में क्या है डर के माध्यम से, तीसरे में क्या है अच्छा बनने के माध्यम से, चौथा समाज में अपने आप को दिखाने के लिए, और पांचवा सही के लिए सही और गलत के लिए गलत। यानी कि सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम होता है। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा सी ऑप्शन, और आप सभी ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आरती बहुत अच्छे से आंसर, दीपा दुष्यंत सभी ने अच्छे से आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक की मुख्य विशेषता कौन सी है? संवेगात्मक रूप से, ठीक है। तो देखिए, अति प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति, अंतर्मुखी प्रकृति, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका, या फिर उदासी पूर्ण व्यवहार। तो जल्दी से करें कमेंट क्या होगा इसका सही जवाब। बाकी राम कोई बात नहीं, आप कोचिंग अपने कोचिंग में है तो आप कोचिंग में क्लास, ठीक है। चलिए आरती पटेल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। नितेश स्वागत है आपका। तो यहाँ पर आपके आंसर मुझे मिले हैं सिक्स का सी, और सबसे पहले दिया है सत्यम और दुष्यंत। देखिए, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक, आप जानते हैं कि जो संवेगात्मक, जिसे अपने संवेगों पे कंट्रोल करना आता है, जिन्हें पता है कि अपने संवेगों का प्रदर्शन किस तरीके से किया जाता है, तो वह बच्चा संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक की जो मुख्य विशेषता होती है, वह अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका जानता है कि किस समय किससे कैसे बात करनी है। और सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, और बहुत अच्छे से सभी का आंसर भी मुझे मिला है, तो लॉक किया जाता है इसे। आगे देखिएगा नेक्स्ट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? पियाजे का पूछा है। तो देखिए, सीखने के लिए बच्चों की तत्परता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, खोजपूर्ण अधिगम, या फिर मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो जल्दी से करें कमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर दीजिएगा सभी। अंजलि जी बहुत बढ़िया आंसर सभी के, और सुनीता गौतम, राकेश, अमरनाथ सभी ने बहुत अच्छे से दिया है जवाब। आरती पटेल जी जल्दी से बताइए संतुलित तरीका। अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स का जवाब दिया है ना, क्वेश्चन नंबर सेवन आप सभी के सामने, जल्दी से बताएं भाई। आंसर मिलना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत पूछिएगा। तो सेवन का आंसर मुझे मिला है दुष्यंत की तरफ से सी, और राकेश ने कहा है मुझे ए आंसर। बाकी सभी आंसर दें भाई। तो देखिए, आपने जीन पियाजे का सिद्धांत सभी ने पढ़ा है, ठीक है। जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को चार अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर एक इंद्रजनितगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त, और चौथी बात करें कि कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा सीखने के लिए बच्चों की तत्परता, यदि आप देखें तो स्टार्टिंग में बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और 2 के बाद क्या है बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो सीखने के लिए बच्चों की तत्परता का होना बहुत जरूरी है, ये इनके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, यानी कि प्रत्येक अवस्था में उनके सोचने समझने का तरीका भी बदलता है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खोजपूर्ण अधिगम, आपने देखा होगा चारों अवस्थाओं में बच्चा किस तरीके से इंद्रियों के माध्यम से पहले खोजने की कोशिश करता है ना, फिर आसपास के वातावरण, अपने परिवार के आधार पर, फिर सामने प्रस्तुत होकर किसी भी वस्तु के बारे में उसका निरीक्षण कर, लास्ट में तर्क कर। लेकिन मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ये इनके सिद्धांत से नहीं। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इस सिद्धांत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो डी आंसर धीरज जी, बहुत बढ़िया जवाब। आरती पटेल
कैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो आंसर देने में, अनुराग ए नहीं होगा, ठीक है डी आंसर। धीरज जी बहुत अच्छे से जवाब दिया है आपने, जिन्होंने भी दिया अमरनाथ, बहुत बढ़िया जवाब। चलिए कृतिका, सुनीता, राकेश, अनुराग और सभी का मिला है डी ऑप्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे, ठीक है चलिए। नहीं, अनुराग सीखने की तत्परता का मतलब क्या होता है कि देखिए अनुमान की बात की गई है, जरूरी नहीं तत्परता हर एक सिद्धांत में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। सीखने की तत्परता का मतलब है बच्चा किस स्टेज में किस तरीके से सीखता है। आपने देखा होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दो देखकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है, क्यों? क्योंकि वो तत्पर होता है तभी तो सीख रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे। छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका उचित प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए व्याख्यान विधि का, सामाजिक अंतःक्रिया का, खोज विधि का या प्रयोग। जल्दी से करें कमेंट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल राजकुमार, चार अवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे से बताया है आपने। सत्यम कह रहे हैं कि मैम कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे थे, पनिशमेंट। अच्छा ठीक है, आगे से याद रखेंगे, टी बनवाया जाए। ओके अंजलि, आंसर नहीं मिल रहा है आपका। अनुराग ने कहा है बी ऑप्शन, अनुराग ने कहा है सामाजिक अंतःक्रिया, बाकी सभी जल्दी से बताइएगा। छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका उचित प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर बी आंसर आप सभी ने मुझे दिया है। देखिए बहुत बढ़िया जवाब, क्योंकि समाज के संपर्क में आकर बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता संस्कृति जो भी सब है, वो समाज के साथ जब बच्चा जुड़ेगा और उसमें एक लोकतांत्रिक जीवन को व्यतीत करने का क्या है आरंभ करना शुरू करता है, वहां के लोगों से परिचित भी होता है। और बिल्कुल डीपी आंसर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डाउट के सही भी हो जाता है। सबसे पहले आंसर मिला है मुझे अनुराग की तरफ से और सभी ने एकदम सही जवाब भी दिया है। चलिए हाँ, सामाजिक अंतःक्रिया एकदम सही जवाब है कृतिका। आगे देखिएगा, पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? सत्य है, सत्य हो सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है या फिर बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में सत्य है? तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या है इस प्रश्न का उत्तर। आंसर दीजिए अमरनाथ, आंसर नहीं आ पा रहा है आपका, तो धीरज जी आंसर दीजिए। हेलो शिखा, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आपके आंसर आने लगे हैं, 9 का सी आंसर मुझे मिला है। सत्यम मैम जी मैं कमेंट तो हाँ कमेंट आपका मिला है, लेट मिल रहा है अमरनाथ, बाकी सबके साथ के साथ आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, आरती पटेल अब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता ना करें आप, नेट का प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा है यहाँ पर उसकी वजह से आपको लग रहा है, तो बस एक मिनट में भी सही होता है, ठीक है। सी आंसर शाबाश। नहीं देखिए, पुरुष हो या महिला दोनों ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर कहा जाए कि पुरुष अधिक बुद्धिमान है महिलाएं कम, या महिला अधिक बुद्धिमान है पुरुष कम, तो वहां पर आपने देखा होगा लिंग रूढ़िबद्धता का जन्म होता है, तो लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाया जा रहा है। सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है और बहुत अच्छे से आपने दिया है आंसर, सी को किया जाता है लॉक, क्योंकि इसमें ज्यादा बात करनी बेकार है, सभी जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आगे देखिए, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं किस पर? प्राथमिक विशेषताएं, द्वितीयक विशेषताएं, वंशानुगत या फिर अवंशानुगत? तो जल्दी से करें कमेंट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है, कौन सा? नेट प्रॉब्लम अब नहीं है, ठीक हो गया है शिखा? देखिए अभी भी प्रॉब्लम है, प्लीज बताएं मुझे, आप सब कुछ ठीक है? हाँ, यहाँ पर भी बारिश हो रही है अमर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 10 का आंसर सबसे पहले मिला है मुझे अनुराग की तरफ से, है ना?
तो इन्होंने दिया है सी आंसर और कहा है कि वंशानुगत विशेषताएं, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग। आप सभी जानते हैं कि शारीरिक जो गुण होते हैं ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं। और यही कारण होता है कि पुत्र अपने पिता के समान दिखता है ना। तो राइट आंसर सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, सी को लॉक किया जाता है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए नेट प्रॉब्लम अब नहीं है बिल्कुल भी। हिमांशी बहुत बढ़िया आंसर आपका। चलिए कृतिका आगे देखिएगा। ओके सुनीता आगे देखिए। प्याजी के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ लीजिएगा। प्याजी के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यह अयोग्यता किन कारकों का परिणाम है। तो देखें, उपकल्पनात्मक, निर्णयात्मक, तर्क की अयोग्यता, व्यक्तिगत कहानियां, विचारों में परिवर्तनहीनता, या फिर उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी। तो जल्दी से करें कमेंट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ए बी सी डी चार आपके सामने ऑप्शन, देखते हैं सही आंसर किसका मुझे मिलता है। राकेश अभी भी नेट प्रॉब्लम है क्या? अब तो ठीक है मुझे लग रहा है, देखिए सब कुछ ठीक है। ठीक है तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका सही जवाब क्या होगा। डी आंसर मुझे मिला है। बाकी सभी जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन में क्या है पहले तो ये समझे। अनुराग ने कहा है डी, सत्यम ने डी 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 डी। चलिए अब देखिए, प्याजी के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि कितना, देखिए 2 से कितना माना जाएगा, 7 वर्ष। ठीक भाई जल्दी से बताइएगा, सी ऑप्शन समझ में आ रहा है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बता दीजिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम, इसका क्या करें भाई, 1 सेकंड में कॉल करती हूँ अभी। बस आप प्लीज जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है आपको? प्याजी के अनुसार पूर्व अवस्था आपने देखी होगी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में आपने देखा होगा कि यहाँ पर बच्चा ना विचारों में परिवर्तनहीनता पाई जाती है ना। बच्चे की मतलब बच्चे की सोचने समझने की क्षमता जो होती है बहुत ही निम्न होती है। हेलो सर, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। यस, यहाँ पे मेरी क्लास हो रही है। ओके तो देखिए और बताइए, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? दुष्यंत, आरती, आकांक्षा, राकेश, नशीर, नशीन, भाई जल्दी से बताइएगा। दुष्यंत, अनुराग, क्लियर हुआ सभी को? दोबारा बताएं, बताइएगा भाई, मुझे बताएं क्लियर हुआ है या नहीं, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? इसमें आपका डी ऑप्शन नहीं आएगा, सी आंसर विचारों में परिवर्तनहीनता, यानी कि सी बिल्कुल सही है। ठीक है आगे चलते हैं, देखिएगा। चलिए आगे देखिए, सत्यम, नष्ट, बच्चों में अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है। पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय में दिया गया समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर, छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर में देने में लगा समय, या प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको हो तो तुरंत पूछिएगा इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताएं। 11 का सी आंसर होगा बिल्कुल। आरती, मैंने कहा था कि जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, वो उसमें बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो वो चिंतन तो कर ही नहीं सकता, अमूर्त चिंतन बिल्कुल भी नहीं होता है उसका। उस एज में बच्चा, बच्चों के जो विचार होते हैं ना, उसमें क्या है, परिवर्तनहीनता पाई जाती है, बच्चा निर्जीव को सजीव समझने लग जाता है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था उसमें। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, देखिए टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, क्वेश्चन बहुत कम हुए, तो थोड़े स्पीड रखिएगा आप सभी। अब यहाँ पर 12 का आंसर मुझे मिला है डी डी ऑप्शन, यहाँ पर मिलता है। तो देखिए
राणा जी, यहाँ पर बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें आदर्श प्रतीक्षा काल किसके समानुपाती होगा? बिल्कुल, यदि किसी बच्चे के साथ हम उसके प्रश्न को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे तो बच्चा बहुत बताएगा भी। तो यहाँ पर चलिए भाई, यहाँ पर देखिए अमरनाथ ने फिर कहा है, और मेरी भी आदत है कि जब तक सभी ना समझ ले मैं बार बार आगे नहीं बढ़ना पसंद करती। दोबारा बता देती हूँ, एक बार समझ लेना सभी के सभी, बफरिंग थी तो आप नहीं समझ पाए थे। जीन प्यारी की चार अवस्थाएं होती हैं, और यहाँ पर वर्णन किया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है अमरनाथ? 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या करेगा? 2 से 7 वर्ष में आपने देखा होगा, यदि एक तरफ आप एक लोहे का बार रख दीजिएगा 1 किलो का, और यहाँ पर आप 500 ग्राम कॉटन रख दीजिए, तो बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा अधिक बड़ा है, किसमें भार अधिक है, तो बच्चा देखकर कॉटन को ही अधिक बताएगा। क्यों? क्योंकि वो आकार में बड़ा है। बच्चों के विचारों में परिवर्तनहीनता पाई जाती है, बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझता है। इसीलिए यह अयोग्यता किन कारकों का परिणाम है? क्योंकि बच्चा विचार नहीं कर पाता है, उसमें तर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए आपका सी आंसर सही है। समझ में आ गया होगा आप तो? क्लियर हुआ सभी का? एक बार बताएं प्लीज, चले आगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसके आंसर आपने मुझे दिए, प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। बहुत अच्छा जवाब सभी का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। देखिए, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, सामने शिक्षण पर बल देकर, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो जल्दी से बताएं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, दीपा और अंजलि। चलिए दीपा और अंजलि कहाँ है, क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरनाथ, समझ में तो आ गया ना? आरती समझ में आ गया? पर जिनको डाउट था क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने, जल्दी से बताइएगा। 13 का डी आंसर मिला है मुझे सत्यम की तरफ से सबसे पहले, आदि पटेल ने भी दिया है, सुनीता जी ने, कृतिका जी ने, शाबाश, बहुत अच्छे से दिया है आपने आंसर। क्योंकि शिक्षण को अधिगम में, शिक्षण को सीखने में कैसे बदल सकते हैं? यदि आप बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाएंगे, बाल केंद्रित पद्धति को अपनाएंगे, तो बिल्कुल डी आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बहुत बढ़िया आंसर सभी का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। इरफान, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला भी। इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, तो आप क्या करेंगे? इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, हमेशा नजर रखेंगे, या फिर उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर निर्देशित करेंगे, या डी ऑप्शन, उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमजोर होते हैं, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 14, और 14 का सही जवाब जल्दी से मिलना चाहिए। क्या बात है सत्यम, बहुत जल्दी आंसर मिला है सुनीता, सत्यम और दुष्यंत का। आरती ने भी कहा है कि प्रोत्साहित करेंगे, शाबाश, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं आप। लेकिन घर में तो आप कोई भी ऐसा नहीं करते होंगे ना, घर में छोटा बच्चा कुछ भी खिलौने तोड़े तो उसको डांट लगाते होंगे, मुझे पता है सभी डांट लगाते हैं, है ना? तो इरफान खिलौनों को तोड़ रहा है, उसके हिस्सों को देख रहा है, तो वो क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा है, तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे, उसे रचनात्मक कार्यों की ओर से निर्देशित करेंगे। यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी जानते हैं कि बच्चे को जरा भी डांटा, उसमें नजर रखी, तो कहीं ना कहीं हमारा एक नंबर चला जाएगा। इसीलिए भी बच्चों को बिगाड़ो, बच्चों को प्रोत्साहित करो, ऐसा ही होना चाहिए ना? तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे अभी क्लास, चलिए शिक्षकों को सलाह देंगे। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि इनसे वे सीखने के अलावा निम्न में भी सहायता प्राप्त करते हैं, किसमें? तो देखिए, संघर्षों को महत्व देना, आक्रामकता, चिंता, सामाजिकरण। तो जल्दी से बताएं। चलिए सही बात है, बहुत सत्यम, बच्चों को जिज्ञासु बनाना भी चाहिए। बच्चे, पता है बच्चों के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, ऐसा क्यों है, लाइट कहाँ से जल रही है, आवाज कहाँ से आ रही है, तो बच्चे बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। यदि आप उनको डांटेंगे तो ये जो उनके अंदर
क्रिएटिविटी होती है ना खत्म होने लगती है, इसीलिए उनको थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा खिलौने लो और तोड़ो इनको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का डी आंसर मुझे मिला है सामाजिक सामाजिक सामाजिक। देखिए मैं आपको हर बार एक बात बताती हूँ कि जब भी आपके सामने सामूहिक गतिविधि आ जाए ना, तो सामूहिक गतिविधि जब भी आ जाए तो वहां पर सामाजिक वो सामाजिकरण या सामाजिक अंतःक्रिया वाला ऑप्शन हो तो बिल्कुल आंख बंद करके लगा दो, बिना डाउट के सही हो जाएगा। तो डी आंसर सभी ने मुझे यहाँ पर दिया है, काजल, राकेश, कृतिका, आरती, दुष्यंत, काजल, आकांक्षा, शिखा, बहुत अच्छे से आंसर मिले हैं सभी के। अमरनाथ, सुनीता गौतम, सामाजिकरण। तो इसकी क्योंकि इसमें सीखने के अलावा किसमें सहायता मिलती है, सामाजिकरण में। क्यों? क्योंकि बच्चा एक संस्कृति के अलावा दूसरी संस्कृति से परिचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी को लॉक किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है, शिक्षण विज्ञान एवं कला दोनों है, या फिर शिक्षण निर्देश है, या फिर शिक्षण परिवर्तनीय है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हाँ बिल्कुल अमरनाथ, अंजलि आप क्लास में से गई ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, राकेश जी आंसर दीजिएगा सभी के सभी। ये सभी घर में होता है सत्यम, सभी फैमिलीज में होता है, मेरे बच्चे भी ऐसे करते हैं। जो भी टॉयज वगैरह उनके लिए लाए जाते हैं वो 10 दिन भी नहीं चलते हैं, उससे पहले ही वो टूट जाते हैं, चाहे कितना भी कॉस्टली लेकर आओ। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आंसर क्वेश्चन भी है और आपके आंसर भी मुझे मिलने लगे हैं। तो देखिए आंसर में मुझे ए आंसर भी मिला है और बी आंसर भी मिला है। अब देख लेते हैं भाई सही जवाब क्या है। ए ए आंसर सबसे अधिक मुझे मिला है, 16, पहला 16 का। चलिए तो आपने देखा होगा कि कौन सा कथन सही है। अब हम शिक्षण की बात करें तो आपने देखा होगा शिक्षा को आप कहीं भी, जरूरी नहीं कि शिक्षा एक विद्यालय पर ही निर्भर हो, शिक्षा को आप कहीं भी, शिक्षण को आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है, और यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक की बात आए तो ये परिवर्तनीय भी होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें शिक्षण परिवर्तनीय, समय समय पर इससे बदलाव आता है। लेकिन सही ऑप्शन जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है, ये बिल्कुल सत्य है। चलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम शिक्षण बिना वो विज्ञान और कला दोनों होता है, लेकिन ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शन फर्स्ट पर, इसीलिए आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही जवाब है। ठीक है, इसमें निर्देश, विज्ञान, कला और परिवर्तनीय तीनों के तीनों आते हैं, तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए आरती, मैंने बता दिया है कला और विज्ञान, निर्देश, परिवर्तनीय तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये तीनों के तीनों जो निर्भर है वो है आपके फर्स्ट ऑप्शन पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, अधिगमकर्ता को निम्न में से किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अंजलि हम क्या करें, हम खुद परेशान हैं नेट से। अधिगमकर्ता को निम्न में से किसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, कक्षा के अंदर और बाहर जितना संभव हो उतने प्रश्न पूछने के लिए। देखिए टाइम अभी 12 मिनट्स हमारे पास है। दूसरा, सामूहिक कार्य में दूसरे छात्रों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए। सी, जितना संभव हो सके उतनी सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। या डी, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए जो एक अध्यापक पूछता है। तो देखें क्या होगा आपका आंसर। अंजलि कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अमरनाथ, काजल, दुष्यंत, आकांक्षा, आरती सभी का मानना है डी ऑप्शन, और यहाँ जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि डी आंसर होना चाहिए तो हम भी मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अधिगमकर्ता कौन होता है, जो सीखने वाला होता है, अधिगम को प्राप्त करने वाला होता है, उसे हम क्या है। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ पे जो मैंने 20 क्वेश्चन दिए कल इनको याद करके लाना है, तो हम किसी बच्चे को क्या है, हम किसी बच्चे पर प्रेशर नहीं डाल सकते उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करने के लिए जो एक अध्यापक पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही है, इसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, तो डी आंसर को लॉक किया जाता है। आगे देखिएगा ऋतु, ऋतु जी गुड मॉर्निंग। किशोर अवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उचित है? देखिए सबसे उचित पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर संवेगात्मक परिवर्तनों की व्यापकता में बढ़ोतरी,
अध्ययन के प्रति लापरवाह प्रवृत्ति, चिंतन मूर्त क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाता है, या फिर बुद्धि लब्धि में अचानक बढ़ोतरी। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है और इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। मैं जल्दी जल्दी से आंसर दें। तृप्ति जी कहाँ है? तृप्ति जी तो दिखाई नहीं दी हमें, संजय वो सत्यम। 18 का ए होगा। मैं जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां पर मिला है मुझे काजल ऋतु की तरफ से आंसर ए ऑप्शन, अमरनाथ काजल कांचा ए आंसर दे रहे हैं। भाई और जितने भी सभी हैं जल्दी से दीजिएगा। कृतिका ने भी कहा है कि भाई यहाँ पर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, बाकी सभी संवेगात्मक परिवर्तन। देखिए किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था जो जिसे मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चा परिपक्व होता है, बहुत सबसे अधिक माना जाता है। किशोर अवस्था में शारीरिक और मानसिक बदलाव बहुत तीव्र गति से होते हैं, तो यहाँ पर संवेगात्मक परिवर्तनों की व्यापकता में पड़ोसी यानी कि बच्चे के संवेग संवेगों में बहुत अधिक बदलाव होता है। अच्छे बुरे के बारे में, सही गलत के बारे में, क्या अपने पेरेंट्स के लिए ठीक है, क्या खुद के लिए ठीक है, यानी कि ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चिंतन मूर्त क्रियाओं में शुरू होता है या का कौन सी इसमें होगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि में अचानक बढ़ोतरी, भाई बुद्धि लब्धि में बच्चे की स्टार्टिंग से ही हो जाती है, लेकिन ये है कि हर एक अवस्था में जो तरीका होता है वो भिन्न भिन्न होता है समझने का, इसीलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर तो आप जानते हैं, लापरवाह प्रवृत्ति दिया हुआ है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रियांशी जी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, प्यारे की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताएं। गतेंद्रिय अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जल्दी से बताइएगा। प्रियांशी जी बहुत लेट आई हैं आप। इसके नहीं चढ़ना, आंसर दीजिएगा सभी। 18 का ये आंसर मिला है मुझे, अंजलि ने दिया है, बहुत लेट आंसर मिला है अंजलि आपका। क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है और 19 क्वेश्चन में पूछा है कि प्याजे की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है? तो 19 का सी आंसर आरती पटेल ने कहा, ए आंसर सी 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 वालों शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब आपका। सत्यम ने कहा है ए आंसर, और भी है प्रियांशी आंसर चाहिए आपसे, आंसर बताइएगा। सी आंसर शाबाश अंजलि और प्रियांशी। चलिए अब देखिएगा, प्याजे की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, जिस पर हमारा खुद का कोई हम कंट्रोल ना कर पाए, जिसमें खुद जो हमारी क्रिया जैसे कि पलकों का झपकना, इस पे हमारा खुद का वश नहीं होता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होती है, तो वह अवस्था कौन सी है ये पूछा था आपसे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंद्रजनित गामक अवस्था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गतेंद्रिय अवस्था। तो यहाँ पे सत्यम और आरती इन दोनों ने ही मुझे सही जवाब दिया है और उसके बाद सभी ने एबीसीडी किया है। सत्यम कंफ्यूज मत हो, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। जो इंद्र यानी कि गतेंद्रिय अवस्था है ना, उसे बच्चा अपनी इंद्रियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है वो है जीन प्याजे की पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो क्या है, क्रियाओं पर कंट्रोल भी कर पाता है। समझ में आ रहा है? चलिए हाँ, आरती और साथ के साथ जो सही है वो सत्यम ने दिया है आंसर। हाँ कृतिका, मैंने कहा है कि ए ही सही होगा। ठीक है, सी आंसर मुझे अधिक मिले हैं, तो सी आंसर मूर्त क्रियात्मक नहीं होगा, मूर्त क्रियात्मक में बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है। ठीक है, सही गलत के बारे में भी वो अंतर करने लगता है और क्रियाओं को अपनी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, सी आंसर पे लगाया, एक आंसर इसका सही है। आगे देखिए, राम यदि राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो इसका अर्थ क्या है? जल्दी से दीजिएगा, बहुत ही सरल और बहुत बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। उसकी शिक्षण आवश्यकता भिन्न है, राम अध्ययन के योग्य नहीं है, राम को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए, या फिर राम के उत्तरों को सही प्रकार से याद नहीं किया है? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर।
चले कोई बात नहीं, और ना। अच्छा सत्यम ने चीटिंग किया है। चीटिंग करूं, लेकिन चीटिंग आप छोटे बच्चे नहीं है। सी ये तो बताइए, इसमें गलत होता है कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन समझ में आ गया ना? समझ में आना बहुत जरूरी होता है ना अंजलि। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, आंसर मुझे मिले हैं, और आंसर में सबसे पहले राकेश जी ने मुझे आंसर दिया है ए आंसर। सुनीता गौतम, अमरनाथ जी ने भी कहा है ए। शिखा, सत्यम आंसर दीजिए। काजल, आकांक्षा, प्रियांशी, रितु, मलिक, काजल, सभी का मानना है ए। भाई यदि कोई बच्चा फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो हो सकता है कि उसकी शिक्षण आवश्यकता भिन्न हो, ठीक है? तो यहाँ पर उसके सीखने उसको उस तरह से ना सिखाया गया हो जैसा वो सीखना चाहता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? चलिए वंदना, बहुत बढ़िया आंसर आपका। आगे देखें, बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है? अभिभावक और शिक्षक दोनों की, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की, या केवल शिक्षकों की? तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो यहाँ पर आपके सामने है भाई क्या क्वेश्चन नंबर 21, और जल्दी से बता दीजिएगा। सिर्फ 4 मिनट मेरे पास है, तो 4 मिनट में जितना भी हमसे होगा हम करेंगे। 30 क्वेश्चन मेरे पास थे, लेकिन 30 मुझे लगता है कि नहीं हो पाएंगे। आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सी आंसर मुझे मिला है, और मैं बिना किसी देरी के, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछेगा, बाल विकास किसकी आपसे जिम्मेदारी है? तो आप जानते हैं बाल विकास में बच्चे के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही भूमिका अहम होती है, इसीलिए आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब है। कृतिका जी ए नहीं होगा। अनुवाद देखिए, शिक्षक और अभिभावक आते तो वंशानुक्रम वातावरण में ही है ना, तो इसलिए सी आंसर बेस्ट है, उसी एकदम सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है? निम्न में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है? कौन सा, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों को आंतरिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए कहना, विद्यार्थियों के लिए जोखिम उठाने का सुरक्षित वातावरण तैयार करना, विद्यार्थियों को पढ़ाए गए विषयों के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना, या फिर डी, जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। भाई आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर का मैं वेट कर रही, जल्दी से जवाब मिलना चाहिए। और सबसे पहले आंसर आ गया है मेरे पास सत्यम और अमरनाथ की तरफ से, बिल्कुल शाबाश। भाई देखिए, मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता कि जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना, ये मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है। तो देखिएगा, अधिगम के रूप में मापन के अंतर्गत बालक के हम ज्ञान को देखते हैं, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है वो भी हम देखते हैं, साथ के साथ उसको एक ऐसा वातावरण भी प्रदान करते हैं जिसमें वो अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सके। यहाँ पर डी आंसर क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब होता है। जल्दी जल्दी से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। निम्न में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक होता है? तो जल्दी से बताइएगा भाई। देखिएगा, इच्छा शक्ति, बर्ताव, नैतिकता या व्यवहार, निम्न में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक है? बच्चे की इच्छा शक्ति, बच्चे का बर्ताव, बच्चे की नैतिकता या फिर व्यवहार? तो आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा भाई। उसमें आरती आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, जल्दी से दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट कर देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बार बार मैं उस क्वेश्चन पे जाऊंगी। मैंने सोचा कि 25th क्वेश्चन तो हो ही जाए आज की क्लास में। जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक होता है? तो यहाँ पर आपके आंसर मिलने लगे हैं, तो डी आंसर भी मुझे मिला है, सी आंसर भी मुझे मिला है। और मैं आपको बता दूं बिना किसी देरी के कि यहाँ पर इच्छा शक्ति अनंत होती है और बर्ताव व्यवहार आपकी नैतिकता में शामिल होता है, इसीलिए आपका सी आंसर बेस्ट है और सही है, ठीक है? सी को लॉक किया जाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो आपका सी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? मूल्य और विश्वास को प्राप्त करने की, आत्मसात तथा समझौता करने की, एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना सीखना, या फिर दोस्तों के साथ सामाजिकरण करना? तो जल्दी से बताइएगा कि सामाजिकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है। बहुत ही है ये प्रश्न,
जल्दी से बताइएगा। सी बिल्कुल सही है सत्यम, कंफ्यूज मत हो अमरनाथ। जो हमारा व्यवहार है ना, आपने नैतिकता नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा ना, व्यवहार पहले किस तरीके से अपनाता है बच्चा, क्योंकि पहले दंड के माध्यम से, फिर उसे पता चलता है कि समाज में यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हम अच्छे बच्चे कहलाएंगे। तो ये जो सब है वो घूम कर आता है नैतिकता पर। ठीक है, 24 का आंसर मुझे मिला है एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चलिए सभी ने सी डी दिया है लेकिन गलत है, सामाजिकरण अंतःक्रिया। देखिए सामाजिकरण जो होता है ना वो क्या होता है भाई, सामाजिकरण अंतःक्रिया के माध्यम से दूसरों से हम क्या करते हैं, मूल्य और विश्वास को प्राप्त करते हैं। हम दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, उसके विश्वास में अपने विश्वास को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ना कि एक समाज की संस्कृति की आप समीक्षा करना सीखेंगे। तो यहाँ सी आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है, ए आंसर 100% सही जवाब है। अब यहाँ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अन्यथा आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम मेरा हो चुका है। मानव विकास का सिद्धांत नहीं है निरंतरता का, क्रमबद्धता का, सामान्य से विशेष की ओर या परिवर्तनीयता। तो जल्दी से बताइएगा 25th का आंसर। 25th क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप एक ही साथ चलने लग जाते। 24 में सभी ने सीसी आंसर लगाया है। आप यदि किसी की संस्कृति से परिचित होंगे तो क्या आप समीक्षा करेंगे या फिर उसकी संस्कृति को देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर संस्कृति में ये, आप मुस्लिम वर्ग में जाइए, आप क्रिश्चियन वर्ग में जाइए, उनकी संस्कृति के कुछ ऐसे नियम होते हैं कि वो आपको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ मूल विश्वासों को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, न कि समीक्षा करने पर। ठीक है, 25th क्वेश्चन आपके सामने, ए आंसर मुझे मिला है। भाई यहाँ पर इतनी गड़बड़ आप करेंगे उम्मीद नहीं थी, मानव विकास का सिद्धांत पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा जिन्होंने भी दिया है डी आंसर, बिल्कुल सही जवाब है परिवर्तनीयता। ये मानव विकास सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत एक क्रम में विकास होता है, सामान्य से विशेष की ओर और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि तीनों के तीनों ठीक है। डी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, 25th क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा है, टाइम हो चुका है, अन्यथा और भी कराती। थैंक यू सो मच। कैसे लगे क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिएगा, कोई डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक कर ही जाते हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी मेरे से DSSB या कोई से भी टीचिंग एग्जाम के लिए, तो 4 बजे मैं यहाँ पर 4 PM पर लेट्स क्रैक TET पर हिंदी करा रही हूँ, तो आप वहां भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। तो मिलेंगे इवनिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।